हेलो व्यूअर्स, इंग्लिश वोकैबुलरी सीरीज वीडियो नंबर 6 आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने रूट वर्ड्स लिखे हुए हैं और इधर लिखे हैं उनका मतलब। रूट वर्ड्स क्या होते हैं? वो वर्ड्स जिनके बेसिस पर हमारा इंग्लिश वर्ड बना हुआ है, इनका कुछ मतलब होता है और उसी से हम लोग फर्दर ड्राइव करते हैं। ये हमारे बेस वर्ड्स हैं जिससे इंग्लिश वर्ड जो होता है ड्राइव होता है। ठीक है, पहले देखते हैं ग्राफीन, इसका मतलब क्या होता है? टू राइट, यानी कि लिखना। नेक्स्ट वर्ड इज लोगोस, जिसका मतलब होता है या तो साइंस या तो उसका अध्ययन करना, साइंस या स्टडी। थर्ड वन इज कैलोस, जिसका मतलब है ब्यूटी यानी सुंदर। चौथा वर्ड है कैकोस, जिसका मतलब क्या है? बैड और हार्श यानी बुरा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज जेरास, जिसका मतलब क्या है? ओल्ड एज यानी बुढ़ापा। और सेनेक्स, इसका मतलब भी ओल्ड होता है। डिफरेंस क्या है? ये ग्रीक वर्ड था जेरास, ये जो सेनेक्स है ये लैटिन वर्ड है। ठीक है, चलते हैं हम लोग आज के वर्ड्स की तरफ। ग्राफोलॉजिस्ट, एनालाइजिस हैंड राइटिंग। सो ये एक व्यक्ति होता है जो कि हैंड राइटिंग को एनालाइज करता है, तो उस व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? ग्राफोलॉजिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड कैलीग्राफर, यानी आर्टिस्टिक राइटर, जो राइटर बहुत सुंदर लिखता है, जिसकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है। कैलीग्राफी अपने आप में एक आर्ट है। ठीक है, सो जो व्यक्ति बहुत सुंदर लिख रहा है उसको क्या बोलते हैं? कैलीग्राफर बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज कैलीग्राफी, जिसका मतलब क्या है? ब्यूटिफुल हैंडराइटिंग। ग्राफर तो हो गया जिसने लिखा, और ग्राफी क्या हो गया? जो लिखा हुआ लिखावट है उसकी। ठीक है, यानी ब्यूटिफुल हैंडराइटिंग, बहुत सुंदर हैंडराइटिंग जिसकी है, उस हैंडराइटिंग को, उस ब्यूटिफुल हैंडराइटिंग को क्या बोलते हैं? कैलीग्राफी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज कैकोग्राफी, यानी कि बैड और इलिजिबल हैंडराइटिंग, ऐसी हैंडराइटिंग जो आप पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, बहुत बुरी तरह लिखी हुई है, बस घिसट्टे मारे हुए हैं, उसको बोलते हैं कैकोग्राफी। और एक कैको वर्ड कहां से आया? जो कैकोस हमने पीछे पढ़ा था, जो लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज बायोग्राफी। बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ, और ग्राफी लिखना। सो लाइफ राइटिंग इज बायोग्राफी। अब वो बायोग्राफी क्या होती है? किसी की लाइफ हो सकती है, मेरी हो सकती है, आपकी हो सकती है, किसी और की भी हो सकती है। तो किसी की जो जीवनी है उसको बायोग्राफी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज टेलीग्राफी, यानी डिस्टेंस राइटिंग। आपने सुना होगा पुराने जमाने में टेलीग्राफ भेजे जाते थे। सो क्या था टेली का मतलब? टेली का मतलब था दूरी, और ग्राफ का मतलब टू राइट। सो जो डिस्टेंस राइटिंग है उसको क्या बोलते हैं? टेलीग्राफी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज फोटोग्राफी, जिसका मतलब है लाइट राइटिंग। फोटोग्राफी क्या होती है? बेसिस क्या होते हैं उसके? कोई भी जो फोटो क्लिक करते हैं हम लोग, लाइट इज द प्रिंसिपल, लाइट उसका आधार है जिसकी वजह से वो फोटोग्राफ बनता है। ठीक है, सो लाइट राइटिंग इज फोटोग्राफी। जेरियाट्रिशियन, ये एक डॉक्टर होता है जो कि बूढ़े लोगों की मेडिकल केयर करता है। ठीक है, जेरिया वर्ड पढ़ा था ना अभी पीछे, जेरास, जिसका मतलब क्या था? बूढ़ा। तो जेरियाट्रिशियन क्या हो गया? जो एल्डरली लोगों की मेडिकल केयर करने में स्पेशलाइज है। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, सिनाइल, शोइंग साइंस ऑफ फिजिकल और मेंटल डिटेरियोरेशन दैट मार्क्स वेरी ओल्ड एज। सो बुढ़ापे में क्या होता है? हमारा जो शरीर होता है उसके अंदर कुछ मेंटल चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस होते हैं, मतलब शरीर हमारा गिरता जा रहा है, दिमागी रूप से आदमी की सोचने की क्षमता कम हो जाती है। सो ये जो भी साइन का सिंबल है उसको सिनाइल बोलते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड, सेनेसेंट, यानी ग्रोइंग एज, ग्रोइंग ओल्ड, सॉरी, बूढ़ा होने को सेनेसेंट बोलते हैं। एडोलेसेंट, ग्रोइंग इनटू एडल्ट। एडल्ट क्या होता है? बेसिकली जिसको हम आज के लीगल भाषा में बात करें तो 18 प्लस। ठीक है, और एक जो एज आती है ना कि 10 से ऊपर जो जा रहा है बच्चा, ना तो वो अभी एडल्ट हुआ है और ना वो छोटा बच्चा है। सो ये जो बच्चे से एडल्ट होने की जो स्टेज होती है, इन बिटवीन की जो स्टेज है, उसे एडोलेसेंट बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्वलेसेंट, यानी ग्रोइंग हेल्दी अगेन, ग्रोइंग हेल्दी अगेन, कॉन्वलेसेंट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज ऑब्सोलेसेंट, ग्रोइंग और बिकमिंग ऑब्सोलीट, बोलते ना आउट ऑफ फैशन हो गया कोई चीज, ये चीज ऑब्सोलीट हो चुकी है आज के जमाने में, ये चीज टेक्नोलॉजी जो ये ऑब्सोलीट है, मतलब पहले कभी काम आती थी बट आज की डेट में आउटडेटेड है ये। सो उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्सोलीट, और जो उसका प्रोसेस है वो ऑब्सोलेसेंट है। नेक्स्ट वर्ड इज सीनियर, यानी कि ओल्डर, सीनेट, काउंसिल ऑफ ओल्डर और वाइजर सिटीजंस। सुना होगा ये पोलिटिकल वर्ड भी होते हैं कि सीनेट विल डिसाइड ऑन द अपकमिंग बिल्स। सो क्या होता है, एक कुछ लोगों का जो समूह है, कुछ बूढ़े लोगों को, बूढ़े के एल्डरली लोग मान लेते थे, ये पुराना कॉन्सेप्ट एक्चुअली सेनेट का। ठीक है,
आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, और कोई ऑनेस्ट फीडबैक हो तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।